नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2024-25 में यूड एक्सप्रेस में आप कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो आपके विद्यालय से अन्य विद्यालय चले गए हैं उनको आप किस प्रकार से अपने विद्यालय से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रोग्रेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही क्लास 5 के विद्यार्थी, क्लास 8 के विद्यार्थी और क्लास 10 के विद्यार्थी को आप किस प्रकार से अपने विद्यालय से हटा सकते हैं प्रोग्रेशन के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च के बारे में आपको लिखनी है udisplus.gov.in। टाइप करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब जैसे ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा तो आपको मेन्यू बार ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद मेन्यू बार में आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो आपके इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको इसका तक नीचे आ जानी है और आपको ये स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे चले जाना है। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है। स्टेट चयन करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ से आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको क्या करनी है, लॉगिन कर लेनी है। इस तरह से आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको ये करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 गो टू 2024-25 दिखाई पड़ रहा है। तो प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करने के लिए आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ जाती है, इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देनी है। जैसे ही इसको यहाँ से आप क्लोज करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कुछ संख्या दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने कुछ क्लास के विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए आपको प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपको मेन्यू बार में आपको दिखाई पड़ जाएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है जिसमें आपको देखिए दिखाई पड़ता है प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे में आपको गो दिखाई पड़ता है, तो आपको गो के ऊपर ही क्लिक करना है। गो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ता है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 2024-25। तो यहाँ से आपको क्लास चयन कर लेना है जिस क्लास का आप प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लास 5 चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सेक्शन से आपको ये सेक्शन चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको ये गो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो उस क्लास के विद्यार्थियों की लिस्टिंग आपको नीचे दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि स्टूडेंट लिस्ट फॉर प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोग्रेशन के लिए विद्यार्थियों की सूची। फिर हम स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आपके क्लास में कुल कितने विद्यार्थी दर्ज है उसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे आपको पेज दिखाई पड़ता है, तो एक पेज में 10 विद्यार्थियों की संख्या आपको दिखाई पड़ जाती है। यदि आपके क्लास में 10 से अधिक विद्यार्थी है तो इस प्रकार से आपको ये नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करते हुए सभी विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कोड आपको दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आपको दिखाई पड़ जाती है और यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन चयन कर लेना है विद्यार्थी के लिए जो लागू होता है कि प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन या फिर नॉट पास या फिर रिपीटर्स या फिर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन या फिर डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, तो जो भी विद्यार्थी के पर्पज में लागू होता है उसको आपको चयन कर लेनी है। चलिए यहाँ से हमने चयन कर लिया कि प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। जैसे ही आप ये प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन का चयन करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यार्थी ने सत्र 2023-24 में कितना परसेंट प्राप्त किया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ से हम चलिए विद्यार्थी का प्रतिशत प्राप्त फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 2023-24, यानी कि 2023-24 में विद्यार्थी कुल कितने दिवस विद्यालय अटेंड किया है, तो उसकी संख्या यहाँ से आपको फिल कर देनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूलिंग स्टेटस 2024-25, यानी कि 2024-25 में विद्यार्थी वर्तमान में उसके स्कूल स्टेटस क्या है। क्योंकि साथियों हमारा जो विद्यालय है केवल क्या है, प्राइमरी लेवल का है, तो विद्यार्थी जो है क्लास 5 क्या कर चुका है, पास कर चुका है, इसलिए यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस हमारा क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि स्टडी इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी, तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चयन करेंगे कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी का इस तरह से। जैसे ये ऑप्शन हम चयन करते हैं तो क्लास एंड सेक्शन 2 भी प्रमोटेड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि अब यह जो विद्यार्थी आपके विद्यालय से क्या हो,
यहाँ पर हमारा क्लास एंड सेक्शन टू भी प्रमोट क्या हो गया, यहाँ पे क्लास आपको दिखाई पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन क्या हो गया हमारा इनेबल से डिसेबल हो चुका है, क्योंकि विद्यार्थी जो है हमारे विद्यालय को क्या कर चुका है, छोड़ चुका है, या फिर विदेशी या फिर विदाउट टीसी। यहाँ पे इस ऐसा आपको दंड दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं आगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके आगे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्रेशन प्रोग्रेस्ड ऑन डेट मंथ ईयर आनर्स मंथ एंड मिनट एंड सेकंड आपको दिखाई पड़ता है, ये नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद देखिए एक्शन के नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, अपडेट और करेक्शन, तो आपको ये अपडेट के ऊपर ही क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है कि स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ये ओके के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं, चलिए हम एक और दूसरे विद्यार्थी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन है। अब मान लीजिए कि यह विद्यार्थी जो है पास नहीं हुआ, या फिर रिपीटर्स के ग्रुप पे फिर से आपके क्लास में पढ़ना चाह रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चयन करने का कि नॉट पास्ड रिपीटर्स, इस तरह से। तो फिर यहाँ पे आपको उसका 2024 23 24 में कितना परसेंट है, इसे यहाँ पे उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना दिन विद्यालय आया है उसको आपको चयन करना पड़ेगा। यहाँ से आपको ऑप्शन चयन करना पड़ेगा कि स्टडीज इन सेम स्कूल, क्योंकि वह वर्तमान में आपके विद्यालय में फिर से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 5 फिर से आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रिपीटर से हो गया। और यहाँ से आपको सेक्शन चयन करना होगा इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको ये अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो विद्यार्थी की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। अब कोई विद्यार्थी ऐसा है जो प्रमोट तो हुआ है लेकिन विदाउट एग्जामिनेशन, तो आपको इसको चयन करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रत्यांग वाला ऑप्शन डिसेबल हो चुका है इस तरह से। केवल आपको यहाँ पे विद्यालय आने के दिनों की संख्या फिल करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको वर्तमान लेफ्ट स्कूल हो जाएगा इस तरह से। अब कोई विद्यार्थी जो है क्या है, डिसकंटिन्यूस बिफोर एग्जामिनेशन इस तरह से, तो इसका आपको ऑप्शन चयन करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन जैसे ही आप चयन करते हैं, तो आपका पास फिर से आपको 5 दिखाई पड़ जाएगा, यानी कि वह रिपीटर से ग्रुप पे फिर से आपके विद्यालय में पढ़ेगा। फिर आपको ये अपडेट के ऊपर क्लिक कर देनी है इस तरह से। इस तरह से बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है, और आने के बाद आपको संबंधित क्लास को इस तरह से फाइनलाइज करना होगा इस तरह से। तो आपको इसी प्रकार से सभी क्लास के विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन करने के बाद सभी क्लास के अंत में जाकर के आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके सामने घोषणा दिखाई पड़ जाएगा, फिर आपको ये कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है इस तरह से। चलिए हम एक और क्लास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक और क्लास को ओपन कर लिया। यहाँ पे विद्यार्थियों का प्रमोटेड एग्जाम, यहाँ पे उसका प्रतिशत सालाना दो संख्या स्टडी इस सेम स्कूल का चयन कर दिया इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे क्लास 5 हो गया, सेक्शन हमने ए चयन कर लिया इस तरह से। उसके बाद फिर हमने ये ऑपरेशन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी स्टूडेंट क्या होगा, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है इस तरह से। फिर हमको इस कॉल करके नीचे आ जानी है, और फिर इसके सभी विद्यार्थियों को प्रमोशन कंप्लीट करने के बाद हमको ये फाइनलाइज पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप संबंधित क्लास को फाइनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने फिल की हुई है वो क्या हो जाएगा, आपका डायर का हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाता है। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि आपने संबंधित क्लास के सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए आपको सभी क्लास में जाकर के एक बार जांच कर लेनी है इस तरह से। यहाँ से आपको क्लास चयन करना होगा इस तरह से, फिर यहाँ से आपको सेक्शन चयन करना होगा इस तरह से, फिर आपको ये गो पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर से आपको इस करके नीचे आ जानी है। तो इससे आपको मालूम पड़ जाता है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कम्प्लीटेड। तो यहाँ से भी आपको मालूम पड़ जाएगा, साथ यहाँ पर जो डाटा एंट्री वाला है वहां पर डार्क हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको एक बार जांच कर लेनी है, और सभी क्लास के अंत में जाकर के आपको फाइनलाइज करना जरूरी है। उसके बाद सभी क्लास का आप फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको ये प्रोग्रेसर एक्टिविटी के ऊपर जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू समरी, तो यहाँ से आप समरी देख सकते हैं इस तरह से कि कितने विद्यार्थियों को आपने प्रोग्रेसर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए टोटल इनरोलमेंट हमको यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है, यहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाइए प्रोग्रेशन एक्टिविटी समरी आपको सेक्शन वाइज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी में हमारा प्रोग्रेशन इस तरह, यहाँ से हमको फाइनलाइज 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 यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि हमने सभी क्लास के जो विद्यार्थी है उसको हमने क्लास वाइज फाइनलाइज कर लिया है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि आपने जो प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट किया हुआ,
जिन विद्यार्थियों को आपने क्लास वाइज फाइनलाइज किया हुआ है, इन विद्यार्थियों की यहाँ पे कक्षा वाइज फाइनलाइज इसकी आपको दिखाई पड़ जाएगी, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही आपने जो प्रोग्रेशन है वहाँ उसको लास्ट किस समय पे किया हुआ है, किस दिनांक को किया हुआ, वह भी आपको दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि हमने बालवाड़ी को किया था 8 जुलाई 2024 को 7:09 2 सेकंड में प्रातः, उसी प्रकार से क्लास वन कहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से किस दिनांक को आपने प्रोग्रेशन ला किया हुआ भी आपको दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि देखिए वर्तमान में हम क्लास 4 और 5 का प्रोग्रेशन कब किया, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको बैक हो जानी है, आप सभी क्लास का आप फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद अंत में आपको ये कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है कि फाइनलाइज प्रोग्रेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दिया गया, इसको आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चेक कर देनी है, फिर आपको ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यह आपसे पूछता है कि स्कूल से प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि फाइनलाइज प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 स्कूल से प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज्ड, और फाइनलाइज्ड भाई यहाँ पे आपको विद्यालय का टाइम कोड दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनलाइज्ड डेट दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। इस प्रकार से इतना कार्य करने के बाद ही आप पे आपके विद्यालय का सभी क्लास का जो फाइनलाइज वाला प्रोग्रेशन फाइनलाइज वाला कार्य होगा कम्प्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करना है, क्लास वाइज आपको क्लास वाइज फाइनलाइज करना है, उसके बाद फिर आपको सभी क्लास सब फाइनलाइज होने के बाद अंतिम में आपको फाइनल फाइनलाइज करना है वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।